हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका हनीफ वन स्टॉप चैनल से। तो आज हम बात करने वाले हैं राइजन 5 3600 का। बेसिकली ये चिपसेट 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, तो इसलिए गर्म होना ही है इसको। तो इसका हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, देखिए इसके कई सारे सॉल्यूशंस हैं राइजन 5 3600 को कूल रखने के लिए। जैसे आप ले सकते हैं कोई भी एयर कूलर होगा, कोई भी लिक्विड कूलर होगा, मतलब अच्छा वाला जो इसको कूल रखें। लेकिन आप सच में इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप एयर कूलर भी नहीं मिल सकते और इतना बजट आपके पास नहीं है, तो आप सही वीडियो पे आए हैं। इसमें मैं आपको स्टॉक कूलर पे इसके टेम्परेचर्स लो करने का एक भयंकर आइडिया बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं सीधी बात विदाउट बकवास। तो ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपको पहले एक ऐप की ज़रूरी होगी, ये ऐप है राइजन मास्टर। इसकी डाउनलोड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, आप वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। राइजन मास्टर डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का वार्निंग दिखाएगा कि जो भी डैमेज होगा वो सोली आप बेयर करते हैं उस डैमेज को, लॉस को, और राइजन मास्टर कोई भी इसका ये नहीं लेने वाला। तो यहाँ पर सिंपली वार्निंग है, ओके कर दीजिए। करने के बाद आपको कुछ इस तरह का एक बॉक्स ओपन होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में होम, क्रिएटर मोड, गेम मोड, प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप मेरा यहाँ देख सकते हैं 42 डिग्रीज पे रन हो रहा है मेरा। यहाँ पर प्रेजेंट टेम्परेचर 43 डिग्रीज है इसका। ये 43 डिग्रीज इसलिए है क्योंकि मैंने अभी OBS भी ऑन किया हुआ है, तो बैकग्राउंड में OBS रन हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसलिए 42 डिग्री से, वरना आइडियल पे मेरा टेम्परेचर 36-37 के आसपास होता है। और मैंने एयर कूलर मतलब आफ्टर मार्केट का कूलर यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए मेरा इतना कम आ रहा है। स्टॉक कूलर पे अगर आप करेंगे तो इतना कम तो नहीं आएगा, लेकिन आपका टेम्परेचर आइडियल पे 40 या 45 के बीच में रहेगा। आइडियल टेम्परेचर आपको ओवरक्लॉक करने के बाद, पहले नहीं करने के बाद, आपको 4.2 GHz पे आपको 40 से 45 के बीच में आपके टेम्परेचर्स स्टॉक कूलर पे होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ये प्रोसेस को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करना, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रोफाइल 1 को सेलेक्ट कीजिए। करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, यहाँ पर कंट्रोल मोड, कोर सेलेक्शन, या कोर सेलेक्शन पे आपको कुछ रेड डॉट साइट की तरह दिख रहा है, आपको पबजी का रेड डॉट साइट की तरह, तो उस पर क्लिक कीजिए। और जैसे ही यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पर आप कोर्स को सेलेक्ट कीजिए और 4200 को टाइप कर लीजिए। मतलब मेरा पहले से ही 4200 है, तो 4200 मेरा दिखा रहा है यहाँ पर। आपका 3200 या 3700 को भी जो भी होगा वहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ फिर से आप ये ग्रीन के इसको सेलेक्ट करने से आपका 4200 सभी कोर्स मतलब राइजन 5 6 कोर्स का भी 4200 GHz पे चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद नीचे आपको यहाँ वोल्टेज कंट्रोल का एक ऑप्शन दिया गया, ये वोल्टेज कंट्रोल आपको इसको 1.3 में रखना है। कितना? 1.3 में, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। स्टॉक कूलर पे अगर आपने 1.3 पे इस पे रख दिया, रखने के बाद आप यहाँ पर अप्लाई एंड टेस्ट का ऑप्शन दबा सकते हैं, ओके कर दीजिए। यहाँ थोड़ी देर के लिए ये स्ट्रेस टेस्ट करने वाला है प्रोसेसर का, थोड़ी देर के लिए आप देख सकते हैं। देखिए वोल्टेज ज़्यादा करने से आपका पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा हो जाएगा, आपके प्रोसेसर को भी प्रॉब्लम हो जाएगा, वोल्टेज सही तरह के मेंटेन करना पड़ेगा, तो इसलिए 1.3 में ही रखिए उसको वोल्टेज को। देखिए ओके हो चुका है, यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए, बस हो गया। आप फिर भी होम पे चले जाइए। होम पे चले जाने से आपको दिखा देगा कि आपका कोर स्पीड, यहाँ पर दिखाएगा आपको कितना है आपका कोर स्पीड, और यहाँ पर आपका वोल्टेज दिखा देगा 1.3, और यहाँ पर आपका टेम्परेचर आ जाएंगे आपका, मतलब ओवर क्लॉक 4.2 GHz जो भी कंपनी आपको अलाउ करती है वो यहाँ हम कर चुके हैं, वोल्टेज का 1.3 पे हम सेट कर चुके हैं। तो यही वोल्टेज आपको भी रखना पड़ेगा। रखने के बाद आप अपना टेम्परेचर को कंपेयर कीजिए स्टॉक कूलर पे। अगर मतलब स्टॉक कूलर पे तो टेम्परेचर हाई ही आएंगे आपको, अगर ज़्यादा आ रहे हैं मतलब आइडियल में आपका टेम्परेचर 50-60 के पार हो रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली आफ्टर मार्केट कूलर की ज़रूरी होगी। अगर आपका आफ्टर मार्केट कूलर लगाते पर भी आपको आइडियल टेम्परेचर 50 के ऊपर आ रहे हैं, मतलब 50 या 55 के ऊपर आ रहे हैं, मतलब ये आपका
चिपसेट में कुछ प्रॉब्लम है, इसको वारंटी क्लेम कीजिए और रिप्लेस करा लीजिए। तो इसी तरह से आप स्टेप्स फॉलो कीजिए और करने से आपको बढ़िया टेम्परेचर्स Ryzen 5 3600 में देखने के लिए मिलेंगे और इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में आपको जो भी चाहिए कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिए, मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ये बेल वाला नोटिफिकेशन आइकॉन को भी दबा देना। तो चलिए फ्रेंड्स, चलता हूँ, बाय बाय, खुदा हाफिज़।